Welcome back to BBVN online classes. In electronic spreadsheet, the next session is format data in the spreadsheet. In this session, we will learn about how to format the data in a spreadsheet program. Formatting in Kelsey. Kelsey is a spreadsheet program, just like MS Excel. The data in Kelsey can be formatted in several ways. अलग अलग तरीके से अपन format कर सकते हैं. Formatting can be either defined as a part of cell style so that it is automatically applied, or it can be applied manually to the cell. आप जो formatting है उसको as a cell style है वो भी apply कर सकते हैं, या फिर आप manually भी कर सकते हैं. Formatting numbers, first आता है आपका वो आता है formatting numbers. Several different format can be applied to the cells by using icon on the formatting toolbar. अगर आपको अपने नंबर को फॉर्मेट करना है तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो आपको फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं जो आपको कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर. सेलेक्ट द सेल, द क्लिक ऑन द रिलेवेंट आइकन टू चेंज द नंबर फॉर्मेट. यहाँ पे अपन पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे और देन अलग अलग आपको आइकन्स मिल जाएंगे जो आपके नंबर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग. फॉर मोर कंट्रोल और सेलेक्ट अदर नंबर फॉर्मेट, यूज़ द नंबर पेज ऑफ द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. इसके अलावा आपको और भी यहाँ पे फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर नंबर पेज ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं. ओके, देन अब जनरली अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए अप्लाई एनी ऑफ द डेटा टाइप इन द कैटेगरी लिस्ट टू द डेटा. यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं. कंट्रोल द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड लीडिंग जीरो इन ऑप्शंस. आप यहाँ पे जो जीरो है, लीडिंग जीरो है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं. इंटर ए कस्टम फॉर्मेट, अपना कस्टम फॉर्मेट भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं. द लैंग्वेज सेटिंग कंट्रोल द लोकल सेटिंग फॉर द डिफरेंट फॉर्मेट सच एज द डेट फॉर्मेट एंड करेंसी सिंबल. आप यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आपका डेट फॉर्मेट है, करेंसी सिंबल है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है वो अपन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपने कैलसी के अंदर या अपन कह सकते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर. एंड फर्स्ट अपन अप्लाई करते हैं वो करते हैं लीडिंग जीरो. टू रिटेन ए मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन सेल व्हेन एंटरिंग नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1234 एंड 0012, लीडिंग जीरो हैव टू एडेड एज फॉलो. अब देखिए अगर आपको अपने सेल के अंदर अगर आपको नॉर्मल अगर अपन कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो ठीक है, अगर हम जीरो यूज करते हैं तो ये जीरो को क्या कर देता है, स्किप कर देता है. ठीक है, ऐसा जनरली होता है, पर अगर अपन को करना हो तो अपन कैसे करेंगे तो उसके बारे में अपन बात करते हैं. तो देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो अपन ओपन कर लेते हैं अपना कैलसी, लिब्रे ऑफिस कैलसी को ओपन करते हैं. देखिए सपोज दैट कि अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ तो जनरली अगर मेरी वैल्यू अगर विदाउट आपके जो जीरो है, जो अगर आपने शुरू में जीरो यूज़ नहीं किया है, लास्ट में तो अपन कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी. और अगर बाय द वे अगर मैं शुरू में जीरो यूज कर लेता हूँ तो आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगी, तो ये क्या करेगा, जीरो को यहाँ से क्या कर देगा, स्किप कर देगा. ठीक है, अब अगर अपन को जीरो का यूज करना ही है तो अपन कैसे करें, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं. विद द सेल सेलेक्टेड, राइट क्लिक ऑन द सेल, सेलेक्ट फॉर्मेट सेल, देन फॉर्मेट सेल और यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+1 टू ओपन फॉर्मेट सेल्स. यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपने सेल को, उसके बाद में फॉर्मेट सेल को जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना है. इसका शॉर्टकट भी बता रखा है Ctrl+1. ठीक है, मेक श्योर द नंबर पेज इज सेलेक्टेड, देन सेलेक्ट द नंबर इन द कैटेगरी लिस्ट. आप यहाँ पे नंबर पेज है वो आपको आप देखेंगे सेलेक्ट मिलेगा, उसके बाद में आप जो नंबर कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, इन ऑप्शन लीडिंग जीरो इनटू द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर रिक्वायर्ड, देन क्लिक ऑन ओके. और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लीडिंग जीरो का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आपको कितने चाहिए कैरेक्टर के साथ. ओके, तो देखिए कैसे अपन करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे अब मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखिए अपन को ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्मेट सेल है, डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन होगा. इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखा है फॉर्मेट, और देन यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर फॉर्मेट.
ठीक है, ये आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, एक बार नंबर फॉर्मेट से अपन करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आपको दे रखे हैं, इससे आप कर सकते हो। पर अभी अपन बात करें किसकी, लीडिंग विद जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीडिंग विद जीरो की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपन सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे अपना ये फॉर्मेट मिल जाता है, जो सॉरी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। अब अगर जनरली अपन ये कहें कि भाई अपन को जीरो कितने चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शंस है, देखिए अभी आपका नंबर टेप है वो सेलेक्ट है और यहाँ से अपन सेलेक्ट करते हैं क्या, जीरोज सेलेक्ट करते हैं, जीरोज। यहाँ से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी अपन को चाहिए, जैसे भी चाहिए, देन वैसे अपन क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट के साथ आपको जीरो मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, अभी आपको ओनली 10 शो हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पे सेल्स है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट विथ लीडिंग जीरो यहाँ पे अपन ने क्या दिए, 3 दिए हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेगा जितने आपने दे रखे हैं, उसके अलावा ये जीरो को क्या करेगा, ऐड कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ से ऐड और भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जीरो ऐड करना है तो अपन कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, इफ़ ए नंबर इज इंटर्ड विथ लीडिंग जीरोज बाय डिफॉल्ट कैलसी विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप द लीडिंग जीरो। कैलसी क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली जीरो को क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। टू प्रिजर्व अ लीडिंग जीरो इन अ नंबर टाइप एन अपोस्ट्रोफे बिफोर द नंबर। आप अपने नंबर है उस पर अपोस्ट्रोफे लगा के भी आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे जनरली लिखता हूँ कोई भी वैल्यू, तो ये इसमें जीरो ऐड नहीं करेगा, पर अगर आप अपोस्ट्रोफे लगा के अगर जीरो ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये भी अपना तरीका है, या तो आप अपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+1 होता है। क्या होता है, Ctrl+1, ये आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वो दे रखा है फॉर्मेटिंग रेंज ऑफ सेल विद डेसिमल प्लेसेज। आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेज है उनको भी आप सेट कर सकते हैं। देन सेलेक्ट द सेल टू मेक इट एक्टिव, अपने सेल को सेलेक्ट करें एक्टिव बनाने के लिए। राइट क्लिक ऑन द सेल और रेंज एंड फॉर्म द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चूज द फॉर्मेट सेल। वैसे अपन को क्या करना है, राइट क्लिक करना और यहाँ से फॉर्मेट सेल को चूज करना है। चूज नंबर एज ए कैटेगरी, एज ए कैटेगरी आपको नंबर, देन कैटेगरी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, जो आपका डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले तो नंबर टेप, देन एज ए कैटेगरी अपन को यहाँ पे अपन को सब ऑप्शन मिलता है कैटेगरी, उसको अपन चूज करेंगे जो हेडिंग है, और उसके अंदर मिलेगा अपन को डेसिमल प्लेसेज। तो जितने भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आपको सेट करने हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, और देन अपन को क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं अपन। सपोज देन मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे रखी है, ठीक है। अब इस वैल्यू है यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और नंबर ऑफ वैल्यू भी यहाँ पे हो सकती है। मैं आपको एक बार नंबर ऑफ वैल्यूज पे ही अप्लाई करके बता देता हूँ। ये तीनों को मैंने सेलेक्ट करा देन राइट क्लिक करा, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए जो सबसे पहले नंबर टेप है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन कैटेगरी। ऑप्शन कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डेसिमल प्लेसेज। अब जितने डेसिमल प्लेसेज हैं वो आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। सपोज दैट मेरे को 3 डेसिमल प्लेसेज चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिव नंबर पर ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको 1000 सेपरेटर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेज है वो कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे अपन डेसिमल प्लेसेज है उनको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है ऑटोमेटिक रैपिंग, देन सेलेक्ट द सेल। अब रैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे अपन सेल के अंदर कुछ भी अपन लिखते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको अपन टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ, पर्टिकुलर सेल है इसकी विड्थ अपन इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए सेलेक्ट द सेल और रेंज, देन उसके बाद में क्या दे रखा है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देन नेक्स्ट आपका आता हुआ था फॉर्मेट सेल और Ctrl+1, या तो आप फॉर्मेट में जाके सेल पे जा सकते हैं या फिर अपन क्या कर सकते हैं, Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यह अपन को फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो या तो राइट क्लिक करके करें और फॉर्मेट में जाके सेल्स पे जाएं, या फिर अपन क्या करें, Ctrl+1 पे क्लिक करें, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, अलाइनमेंट टेप। अंडर द प्रॉपर्टीज सेलेक्ट रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एंड क्लिक ऑन ओके।
और यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या मिलेगा, रैप टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप जो अपने जो रैप टेक्स्ट है उसको अपन मतलब सॉरी अपन ये कह सकते हैं कि अपन रैप टेक्स्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट करा, देन उसके बाद में राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पे अलाइनमेंट, देखिए अलाइनमेंट टैब है और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, देन ओके। जैसे ओके करेंगे, अब अगर मैं इस सेल में कुछ भी टाइप करता हूँ, देखिए अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो कंप्लीट सेल होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगर मैं कहीं भी कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो देखिए ये नेक्स्ट सेल के अंदर, इट मीन्स ये विड्थ को इंक्रीज कर रहा है। अगर आपने रैप टेक्स्ट को अप्लाई किया है तो ये विड्थ को इंक्रीज नहीं करेगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा जब भी ये आपकी राइट जो एज तक पहुँचता है, ओके। तो ये आपका है रैप टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है श्रिंकिंग टेक्स्ट टू फिट ए सेल, कि आप श्रिंक भी कर सकते हो। सिंक का मतलब सिकोड़ना, जनरली मैं ये कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है, लाइक बगड़िया लिखना है, बगड़िया बाल विद्या निकेतन, ओके। अब इसको मेरे को सिंक टू फिट करना है तो कैसे मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए सेलेक्ट द सेल और रेंज, और पर्टिकुलर सेल या रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्शन, सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल और गो टू फॉर्मेट और सेल्स। कहने का मतलब यहाँ पे है कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। चाहे वो आप राइट क्लिक करके करें, चाहे फॉर्मेट में जाके सेल्स पे क्लिक करें, या फिर कंट्रोल के साथ वन प्रेस करें, देन क्लिक ऑन अलाइनमेंट टैब, अगेन अलाइनमेंट टैब में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना और यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है, श्रिंक टू फिट सेल साइज, और देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो जहाँ पे अपन को रैप टेक्स्ट का मिला था वहाँ पे क्या मिलेगा, श्रिंक टू फिट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अपन ये करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और इस बार अपन क्या करते हैं, सेल्स पर क्लिक करते हैं, तो ये आपका आ जाता है। यहाँ से देखिए अलाइनमेंट टैब, सिंक टू फिट सेल साइज, जैसे ओके करते हैं तो देखिए आपका बगड़िया बाल विद्या निकेतन है वो आपका एक सेल के अंदर है, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल F1 से भी कर सकते हैं, तो जो भी आपके है। तो अपन ने अभी ये बात क्या की कि कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, लीडिंग जीरो का यूज करता हूँ, कैसे मैं डेसिमल प्लेस का करता हूँ, कैसे मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ, और कैसे मैं सिंक टू फिट ऑप्शन का यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कुछ फीचर्स के साथ। थैंक यू।